दुनिया भर में जियो एक्सप्रेस न्यूज के नाज़रीन को अपने न्यूज कास्टर मुजीन हुसैन बिलाल की तरफ से सलाम अलैकुम। खबर शामिल करते हैं जिला मंडी बाउदीन से, जहां डिप्टी कमिश्नर महताब वसीम अजहर की खसूसी हदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मलक गजनफर अली अवान की जेरे निगरानी मुमकिन सैलाब के हदशे से निमटने और अवाम को हंगामी हालात में तहफ्फुज़ की फराहमी और रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर पहुंचाने के हवाले से दरियाए चिनाब हेड कादराबाद जुकालिया ब्रिज के मुकाम पर मोक एक्सरसाइज के नाम से मुतलका महकमों की कारकर्दगी परखने के हवाले से तरबीती मशक का इनकाद किया गया। इस मौके पर मोक एक्सरसाइज में शामिल रेस्क्यू 112 समेत तमाम मुतलका अदारों ने फ्लड रिलीफ कैंप लगा रखे थे, जिनमें सैलाब से मुतासर अफराद और माल मवेशियों को बर वक्त तिबी सहूलियात फराहम करने की मशकें की गई। इन मशकों के दौरान अमली तौर पर रेस्क्यू 112 की जानब से सैलाब में फंसे और डूबते अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का अमली मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मलक गजनफर अली अवान ने कहा, जिसमें लाइफ स्टॉक, हेल्थ डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लस रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तमाम डिपार्टमेंट हाजिर हैं। बड़ी आला किस्म की हमने मॉक एक्सरसाइज की है, जिसमें 1122 वालों ने बड़ा एक अहम किरदार अदा किया है और इंशाल्लाह हमारे पास मैक्सिमम 1122 के हवाले से हमारे पास स्टॉक कम्प्लीट है, हेल्थ वालों का कम्प्लीट है, लाइफ स्टॉक वालों का कम्प्लीट है और हमने इंशाल्लाह ताला तमाम पॉइंट्स जो फ्लड रिलीफ कैंप के हवाले से बनाए गए हैं उसमें तमाम ड्यूटीज पूरी हैं इंशाल्लाह ताला। और हम असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर क्लियार ने कहा, चल रहा है और इसके अलावा जो हमने अपनी जो मैपिंग करनी है फ्लड के हवाले से वो हमने कंप्लीट कर ली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर फ्लड की सिचुएशन आती है, इफ इट हैपेंस, वी आर फुली प्रिपेयर टू टैकल इट। थैंक यू सो मच। जबकि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रेस्क्यू इंजीनियर इमरान खान का कहना था, होपफुली अगर खुदा ना खास्ता फ्लड आता है तो इंशाल्लाह हम इसे नबर्द आजमा होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस मौके पर डीएचओ डॉक्टर इफ्तखार अहमद, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर आतफ अली वडाइच, अफीसर लाइफ स्टॉक डॉक्टर मुदस्सर मनीर, डीडीएचओ डॉक्टर शकील इकबाल, कंट्रोल रूम इंचार्ज मुबीन नदीम, चीफ अफीसर तहसील कौंसल रजवान बशीर आगा, इंस्पेक्टर मेयर शौकत अली, जिली मीडिया कोऑर्डिनेटर रेस्क्यू 112 आतफ रफीक मोहम्मद यूसफ, इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस नफीद अहमद हाशमी, राजा गुलफाम इंचार्ज रेस्क्यू मलकवाल और दीगर सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन नवीद अफसल चरुंडिया के साथ रिपोर्ट शाहिद सांवल, जियो एक्सप्रेस न्यूज पाड़िया वाली।